हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिक्स हैंडी में। आज की हमारी रेसिपी है मोदक। मोदक जो कि भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय है और उनका ये प्रिय व्यंजन है। तो गणेश चतुर्थी आने वाली है तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मोदक। यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पर आधा चम्मच देसी घी ले लिया है और घी को गर्म कर लिया है हल्का। अब इसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम मावा और इस मावे को हमें हल्का सुनहरा करना है। एक से डेढ़ मिनट तक हमें इस मावे को चलाते रहना है लगातार और यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है ताकि मावा जल ना जाए। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 स्पून इलायची पाउडर और साथ में डाल देंगे हम केसर। केसर यहाँ पर ऑप्शनल है और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम साथ में ही इसके डालेंगे नारियल का बुरादा। 50 ग्राम बुरादा है ये नारियल का, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 20-25 काजू लिए थे और उस काजू का भी पाउडर बना लिया है, उसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसी कढ़ाई के अंदर मैंने आधा चम्मच घी और ले लिया है और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। इसकी हम यहाँ पर मोदक में स्टफिंग करेंगे। ये देखिए मावा ठंडा हो चुका है और यहाँ पर मैंने शुगर नहीं डाली है। शुगर की जगह पर मैंने यहाँ पर पेठे की जो मिठाई आती है वो डाली है, उसको यहाँ पर क्रश कर लिया है और इस मिठाई को ही हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए जो ये हमने मावा ब्राउन किया था उसमें हम इसको डाल देंगे क्योंकि मावा ये ठंडा हो चुका है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने शुगर नहीं ली है। अब ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स गोल्डन ब्राउन किए थे उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे हम मोदक की। अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे थोड़ा सा मावा अलग से और उसमें हम रेड कलर डाल देंगे। इस कलर को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये रेड कलर हो चुका है इसका, ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने ये मोदक का मोल्ड लिया है, इसमें हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा। अब इसको हम बंद कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है मोदक का मोल्ड। इसके अंदर हम जो मावा है उसको भर देंगे और जो इसकी स्टफिंग तैयार की थी हमने उसको हम बीच में इसके फिल कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके एक गड्ढा बना लिया है। अब इसके अंदर हम इसकी जो स्टफिंग है उसको डाल देंगे और ये बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए परफेक्ट, ये देखिए कितना अच्छा मोदक बनकर आया है। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। और अब हम ऐसे करके ये सारे मोदक हम एक एक करके इसके बना लेंगे। अभी मैं आपको हाथ से भी बनाकर दिखाऊंगी। अभी ये मोल्ड में बनाए हैं, ये देखिए अभी हाथ से बना रहे हैं बिना मोल्ड के भी। इसको हम ऐसे राउंड कर लेंगे और एक टूथपिक की सहायता से हम इसके चारों तरफ इसकी शेप बना देंगे मोदक की। ये देखिए चारों तरफ से। और जो बाकी का रेड कलर के बचे थे उसके भी मैंने यहाँ पर मोदक बना दिए हैं और इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स लगा दिया है और ये चांदी का वर्क भी लगा दिया है, यह ऑप्शनल है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये मोदक। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। गणेश चतुर्थी आ ही रही है, हैप्पी गणेश चतुर्थी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।